हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट कम्स बिफोर बिटवीन 1 to 10। मेथड 1 में आपको बताना चाहूंगी, इस मेथड में मैंने बताया है बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग के थ्रू हम बच्चे को सिखाएंगे कि आप बिफोर नंबर कैसे लिखें। जस्ट जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है 6, 6 के बिफोर नंबर क्या आता है। तो पहले जैसे हमने बच्चे को पढ़ाया था व्हाट कम्स आफ्टर, 6 के बाद 7 आता है, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, बिफोर में भी वो 7 ही बोल देता है। तो अगर हम बच्चे को बताएं कि आप एक साइड में बैकवर्ड काउंटिंग लिखिए, इसके लिए बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग आना जरूरी है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसमें भी हम क्या है, एज अ आफ्टर नंबर जैसे हमने शो करा था बच्चे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में, वैसे ही हम सेम बैकवर्ड काउंटिंग में बच्चे को शो करेंगे कि 6 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे 5। पर लिखने क्या है हमें यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग। तो हमारे यहाँ पे 6 से बिफोर नंबर क्या होगा बताइए आप मुझे, 5। इसी तरह से 8 से बिफोर नंबर क्या होगा, हम काउंटिंग में देख सकते हैं 10, 9, 8, 7। तो 8 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 7। बट ये नंबर कैसा है आपका, बिफोर नंबर। इसी तरह से 2 से बिफोर नंबर 1, 7 से बिफोर नंबर 6। अब आता है हमारा सेकंड मेथड, बाय हाइडिंग। यही मेथड मैंने आपको वर्ड कम्स आफ्टर में भी शो करा था, ये मेथड हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं बिफोर नंबर फाइंड करने में। जैसे कि हमें यहाँ पे 6 का बिफोर नंबर फाइंड करना है, तो मैंने आपको आफ्टर में बताया था कि आप 6 तक का नंबर हाइड कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे भी हम 6 तक का नंबर हाइड करेंगे, जो भी नंबर हमें सबसे ऊपर शो हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, दैट इज 5। उसी तरह से सेम 8 तक का नंबर हम हाइड करेंगे, 8 से बिफोर नंबर क्या होगा हमारा, 7। 2 तक का नंबर हाइड करेंगे और नंबर हमें शो, 2 तक का नंबर हमने यहाँ पे हाइड करा, यहाँ पे हमारे कौन सा नंबर शो होगा, ओनली 1, तो हमारा आंसर होगा 1। इसी तरह से 7 का 6। नेक्स्ट मेथड है रिवर्स एरो। ये हमने एरो वाला मेथड आफ्टर में भी पढ़ा है, तो हम यहाँ पे रिवर्स एरो लगा के इस मेथड को हम बिफोर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें बताना है 6 का बिफोर नंबर क्या होगा, 6 का बिफोर नंबर क्या होगा। इस आप यहाँ पे देखिए 6 का एरो किसको पॉइंट कर रहा है, 5 को, तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। अब हमें बताना है 8 के लिए, अब हम 8 पे जाएंगे, 8 का एरो किसको पॉइंट कर रहा है, 7 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 7। अब हमें देखना है 2 पे जाएंगे, 2 का एरो किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो हमारा बिफोर नंबर क्या होगा, 2 से 1। उसी तरह से नेक्स्ट हमें 7 का बताना है, 7 का बिफोर नंबर 6। मेथड 4 आता है हमारा -1। अगर ये तीनों मेथड भी आपके बच्चे को समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 माइनस के थ्रू भी उसको समझा सकते हैं। जैसे आपने बच्चे को कहा कि आपके पास 6 एप्पल्स हैं, मैं आपसे 1 एप्पल ले लेती हूँ तो आपके पास कितने एप्पल बचेंगे, तो उसको काउंट कराइए, बताएगा 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से हम 8 कोई भी चॉकलेट ले लीजिए, कैंडी ले लीजिए, बच्चे को 8 कैंडी दीजिए। ये मेथड हम जब अप्लाई करते हैं जब बच्चे को तीनों मेथड में अगर समझ में नहीं आता है। 8 कैंडी दी हमने, उस बच्चे से ले ली, बची कितनी हमारे पास, 7। उसी तरह से 2 का आंसर 1, 7 का आंसर 6। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।